इनके बारे में पढ़ते हैं। विक्रमादित्य प्रथम का शासनकाल संभवतः 555 से 680 ईस्वी के मध्य में था। यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ी सी चर्चा। देखिए, विक्रमादित्य प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल तो 642 में ही खत्म हो गया है, तो 642 से 655 ईस्वी के मध्य में वातापी पर किसने शासन किया है? पल्लव राजाओं ने किया है। आपको ये यहाँ पे याद रखना है कि पल्लव राजाओं ने 642 से 655 ईस्वी के मध्य में वातापी पर राज किया था, और विक्रमादित्य प्रथम ने क्या किया था कि पल्लव राजाओं को वातापी से पराजित कर दिया था। वो कैसे पराजित कर दिया था? एक गंग राजा थे, उनकी सहायता से पल्लव राजाओं को पराजित कर दिया था और 655 में दोबारा से वातापी के चालुक्य वंश को खड़ा किया था। किसने? विक्रमादित्य प्रथम ने। विक्रमादित्य प्रथम ने सत्याश्रय श्री पृथ्वी बल्लभ भट्टारक परमेश्वर महाराजाधिराज और परमेश्वर की उपाधियां धारण की थी। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर दो बार लिख गया है, तो यहाँ पर इसे छोड़ दें। और तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? यहाँ पर आपको सत्याश्रय को याद नहीं रखना है, श्री पृथ्वी बल्लभ को याद नहीं रखना है, परमेश्वर को भी याद नहीं रखना है, और ना ही महाराजाधिराज को याद रखना है। आपको केवल इनकी एक ही उपाधि याद रखनी है, वो है भट्टारक। तो बस इनकी यही उपाधि को आपको याद रखना है। विनयादित्य, इनके बारे में पढ़ते हैं। विनयादित्य विक्रमादित्य के पुत्र तथा उत्तराधिकारी थे और इनका शासनकाल संभवतः 680 से 696 ईस्वी के मध्य में था। विनयादित्य ने सत्याश्रय बल्लभ श्री बल्लभ श्री पृथ्वी बल्लभ राजाश्रय युद्धमल्ल महाराजाधिराज परमेश्वर परम भट्टारक की उपाधियां धारण की थी। उपाधियां बड़ी तगड़ी तगड़ी इन राजाओं ने धारण की थी। आपको कोई भी इनमें से उपाधि याद नहीं रखनी है, केवल दो उपाधियां ही याद रखनी है, राजाश्रय और युद्धमल्ल। बस इन दो उपाधियों को याद रखना है और किसी भी उपाधि को याद नहीं रखना है इनमें से, क्योंकि ये सभी कॉमन उपाधियां हैं जो कि हर राजा ने धारण की हैं। तो विनयादित्य के शासनकाल से आपको इतना ही याद रखना है जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। विजयादित्य के बारे में आप पढ़ते हैं। देखिए, विजयादित्य विनयादित्य के पुत्र तथा उत्तराधिकारी थे। किसके पुत्र थे? विनयादित्य के पुत्र और उत्तराधिकारी थे, और इनका शासनकाल संभवतः 696 से 733 ईस्वी के मध्य में था। किसका शासनकाल? विजयादित्य का। विजयादित्य ने सत्याश्रय समस्त भुवनाश्रय श्री पृथ्वी बल्लभ और परम भट्टारक की उपाधियां धारण की थी। आपको केवल एक ही उपाधि इनकी याद रखनी है और कोई उपाधि याद नहीं रखनी है, समस्त भुवनाश्रय। तो आपको बस यही याद रखनी है, इनकी उपाधि और कोई याद नहीं रखनी है। विजयादित्य ने पट्टद में एक सुंदर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। आपको मैं बता दूं कि ये पट्टदकल आधुनिक कर्नाटक के बागलकोट जिले में मलयप्रभा नदी के तट पर बसा हुआ है। आपको ये यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पर विजयादित्य ने एक सुंदर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो आपको ये यहाँ पे याद रखना है। और मैं आपको एक बात और बता दूं इनके शासनकाल से थोड़ी। विजयादित्य की बहन थी महालक्ष्मी, महालक्ष्मी के द्वारा लक्ष्मीश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। और इनका शासनकाल, आपको ये भी याद रखना है कि विजयादित्य का शासनकाल इस वातापी के सभी राजाओं में सबसे शांतिपूर्ण शासनकाल विजयादित्य का ही माना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है यहाँ पे। और ये दोनों धर्मों को मानने वाले राजा थे, सनातन धर्म और जैन धर्म ये दोनों को मानते थे, ये भी आपको याद रखना है। विक्रमादित्य